बाकियों को भी पकड़ लो, 200 लोगों के और भी नाम, ताकि ये खत्म ही ना हो। हम इस बार नवाज शरीफ को टाइम लाइन देंगे, एक टाइम के अंदर आपने जवाब देना है, और इंशाल्लाह ये जो डी वार्स हम, क्योंकि मैं अभी बात नहीं कर सकता क्योंकि बाकी पार्टीज से हमने बातचीत नहीं की, तो इसलिए जब वो जब इंशाल्लाह पीर को एतजाज़ हसन साहब के सामने ये सारे डी वार्स सामने आ जाएंगे, उसके बाद फिर हम ये देखेंगे कि क्या नवाज शरीफ अपने आप को एहतसाब के लिए तैयार हैं। और याद रखें कि ये जब कहते हैं ना कि मैं जवाबदेह नहीं हूँ, ये यूरोपियंस या डेमोक्रेट्स वेस्टर्न डेमोक्रेसीज की रवायत नहीं है, ये हज़रत उमर हमारे खुल्फ़ाए राशिदीन की रवायत है कि वो खड़े होकर अपने जवाब दे होते थे अवाम को। तो इसलिए नवाज शरीफ को जवाब देना पड़ेगा, अब तक भी उन्होंने जवाब दिया, इस बार ही जवाब देना पड़ेगा। कल का मैं आपके सामने आज कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह मैं अपनी अपने लाहौरियों को जानता हूँ, कल का जबरदस्त जलसा होगा इंशाल्लाह। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये जो कह रहे हैं ना कि इमरान खान को सिक्योरिटी थ्रेट है, इमरान खान को किससे सिक्योरिटी थ्रेट हो सकती है सिवाय नवाज शरीफ से, क्योंकि नवाज शरीफ को पता है कि सारी ऑपोजिशन को भी वो मना ले, इमरान खान नहीं मानेगा जब तक के पैनमा लीक्स की कोई जवाब नहीं देगा। इसलिए मुझे कोई डराने की कोशिश ना करो, कोई फिक्र ना करें, मैंने जलसा होगा, मैं वहाँ जाऊँगा और इंशाल्लाह ये तब तक तहरीक चलेगी जब तक नवाज शरीफ जवाब ओके चाचा कच्ची जाओ यार, किधर जा रहे हो? नहीं नहीं यार, किसी को हेलो भाई जान, गाड़ी पर ना चलो, सर अभी निकले हैं, ऊपर नहीं चढ़ना प्लीज, इधर नहीं चढ़ना सबल से। यार रात बोली भी जा, तेरी को बड़ी मशहूर रही है वीडियो, मुझे तो बनी गाला से एंड तक निकल नहीं रहे। हाँ साहब वो गाड़ी लग गया, चलो बच गया गाड़ी। खान साहब चेयरमैन सेक्रेटरी से निकल गया अपने मंजिल के तरफ, रवाना हो गया माशाल्लाह। खान के पास अपना गाड़ी है, लाहौर का मौसम बदल गया, जा रहा है खान, बच्चे देख खुश है, बूढ़े देख खुश है, इस्लामाबाद का मौसम भी बदल गया, लाहौर का मौसम बहुत बेहतरीन हो गया।